गिरिराज जो है ना बेगूसराय में कोई कामे नहीं किया है, खाली हिंदू मुस्लिम, खाली हिंदू मुस्लिम बस। गिरिराज सिंह अभी जो बेगूसराय में रेक पॉइंट बंद कर दिया, जितना लेबर था अभी टला अगिट्टी बालू में काम कर रहा है। अगर गिरिराज सिंह जीतेगा तो किस शर्त पर रेक पॉइंट चालू कर देता, अगर वो जीत जाएगा ना लालटेन में तो पूरा लोग के अगर हो सकता है मजदूर आदमी के काम धंधा दिलवा सके। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है इस समय, दर्श की टीम पूरे बिहार का दौरा कर रही है और जो आम लोग हैं उनके मन को टटोल रही है। इस समय हम हैं बेगूसराय, बेगूसराय की वो धरती कही जाती है कि ये एक तरह से मास्को की धरती कही जाती थी, और इस समय इस बार भी चुनाव की जो माहौल है बेगूसराय में वो काफ़ी रोमांचक है। एक बार फिर से गिरिराज सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, मोदी के बड़े कहे जाते हैं कि खास माने जाते हैं, वो मैदान में, और दूसरी तरफ लाल झंडा से अवधेश राय खड़े हैं। क्या इस बार लोगों का मूड है, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सर इस बार क्या लग रहा है बेगूसराय वाला की मूड? बीजेपी है गिरिराज जी, वजह वजह उसका काम अच्छा है, काम अच्छा है, काम अच्छा है। आप बताइए सर बेगूसराय का मूड क्या है? कभी बोला जाता था कि वामपंथियों का गढ़ है, मास्को है। सर मोदी पे वोट होगा, गिरिराज जी पे नहीं हो रहा, मोदी पे वोट हो रहा। वजह गिरिराज जी पर का है ने? मोदी पे है, मोदी से है लगा मुझे, मोदी से है, मोदी पे वोट डलेगा। मोदी से, मोदी की वजह से वोट होगा। बताइए भैया सेब नारंगी का क्या भाव, राजनीति का क्या भाव? राजनीतिक तो अभी उथल पुथल चल रहा है भैया, जिसका जो है मन में कोई अपने आप को बोला हम है तो हम है, लेकिन हम तो जानते हैं मोदी जी को, मोदी जी और दूसरा आदमी को तो हम नहीं चिन्हते हैं अभी फिलहाल। दूसरा काम मोदी जी का कराएंगे, जो रहेंगे उनके निर्धारित में, जो उनके आधार में जो हैं, जो इनके नीचे वही ना काम करवाएंगे। मोदी जी अपने थोड़ी आते हैं काम करने के लिए, उनका प्रभाव है, प्रभाव तो उनका जरूर है भैया। 400 जो हो यात्रा हम तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन इतना जानते हैं 90% उन्हीं का। क्या खास लगता है मोदी जी में जो आप भाई, इतना जो अभी तक तो नहीं देखे हैं इतना उम्र में जो किए हैं, लेकिन इनके होते हुए ये सब चीज़ देख रहे हैं, जो हमको नज़र आ रहा है इस सड़क रास्ता डिश डैस अगरम बगरम आज तक नहीं देखे हैं वैसा जी। और लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार जो बेगूसराय का माहौल है वो किस तरह का है। आम लोग पर कई तरह के, आइए 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 भैया, आप बताइए आपका क्या मूड है, उनका अलग मूड है, आपका अलग मूड हो सकता है। हम लोग को जिधर जनता का मूड रहेगा उधर जाएंगे। तो जनता का क्या मूड है वही तो हम जानना चाह रहे हैं। जनता का मूड जिस दिन बन जाएगा उस दिन, अभी तक नहीं बना है, नहीं बना है, लेकिन अभी कुछ और इस बार गिरिराज को लग रहा है टक्कर देगा। गिरिराज गिरिराज जो है ना बेगूसराय में कोई कामे नहीं किया है, अच्छा। खाली हिंदू मुस्लिम, खाली हिंदू मुस्लिम बस। कई जगह विरोध भी हुआ है। हाँ बहुत जगह। कारण? कारण क्या है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम बस, ये चीज है। आप भैया बताइए, आप तो अपना रोजगार में लगे रहते हैं राजनीति। हमको ये सब बिल्कुल पता ही नहीं है। वोट नहीं देते हैं? नहीं, वोट देना लेकिन जरूरी है ना। नॉमिनी लीजिए, गिरिराज सिंह अभी जो बेगूसराय में रेक पॉइंट बंद कर दिया, जितना लेबर था अभी टला अगिट्टी बालू में काम कर रहा है, अच्छा। अगर गिरिराज सिंह जीतेगा तो किस शर्त पर रेक पॉइंट चालू कर देता, चालू कर देता। जना तरह तरह भी चालू है, बरौनी चालू है, लाखों चालू है, अने बेगूसराय में चालू नहीं है रेक पॉइंट। एगो ने गिट्टी से मिट्टी उतरता है, हम भूखा लोग मर रहे हैं रोड पर चला चला के। ये आप लोग उसे जुड़े हुए? जुड़े थे पहले, आप नहीं जुड़ेंगे, पहले वोट दिए थे, मगर आप तो वोट लग तो है ये नहीं। मेरा रेक पॉइंट हट गया तो हम, मेरा सरदार थे सरदार। और भी तो बहुत काम हुआ है। कौन काम हुआ, ये पुल बन रहा है सरकार के बन रहा है, इसमें तोड़को गिरिराज सिंह का होते हैं सरकार, तो उनकरे ना है। ऐसे बैठता हमारा बगले में बैठता है गाछी टोला में पावर हाउस में, गिरिराज बाबू आप लोग भेंट करने करते हैं? भेंट कहा, अपना अपना ही नहीं रहता, हमारा मोहल्ला में नहीं घूमता है, पावर हाउस रोड में खाली मोहल्ला में नहीं घुसता है, बस ये सायनोरा होटल देख रहे हैं बस वही रोड में घुसता है। और कौन कौन इस बार मैदान में पता है आपको, कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव तभी एगो लड़ रहा है बगाक है मुकुल सरदार, अच्छा, वो लड़ रहा है लालटेन में लड़ रहा है। और भी लोग, अगर वो जीत जाएगा ना लालटेन में तो पूरा लोग के अगर हो सकता है मजदूर आदमी के काम धंधा दिलवा सके।
मजदूर को काम धंधा मिल सकता है। कुछ लोग नाराज़ हैं, लेकिन कई लोग हैं जो मोदी जी के नाम पे कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर ही वोट देंगे। देखिए ये ठेला है और इस समय हम लोग बेगूसराय के जो शहर है उसके बीचों बीच जो NH जाती है, एक तरफ स्टेशन है, दूसरी तरफ जो है बाज़ार है, ये फल की मंडी है और फल की मंडी के आसपास ही छोटे छोटे दुकानदार भी रहते हैं जिनकी रोजी रोटी चलती है। भैया बताइए इस बार जो है चुनाव का क्या माहौल है बेगूसराय में? हम कुछ नहीं बताएंगे मीटर। अच्छा, ये कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि वोट के बीच अपनी बात रखें, लेकिन ये बात सही है कि यहाँ मोदी जी के काफ़ी भक्त हैं और ये कह रहे हैं कि गिरिराज जी को वोट मिलेगा तो मोदी जी की वजह से मिलेगा। वहीं कई ऐसे लोग हैं जो गिरिराज जी के कई कामों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी वो अपना मूड तय नहीं किए हैं क्योंकि अभी यहाँ चुनाव में थोड़ा समय है, इसलिए जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा तो लोगों का जो मूड है वो बदलेगा और वो एक तरह से फिक्स हो पाएंगे कि किन्हें वो अपना मत देना है। सहयोगी रितिक के साथ अरुण चौरसिया, दर्श न्यूज, बेगूसराय।